जी आप क्या कर रहे हो? मैं भरपाई को बोल देती सु वो कर देगी। अरे नहीं नहीं भाभी हो गया, पर आप असली चीज देखो, इधर देखो, ये ना बहुत हिल रहा है, मुझे लगता है ना इसका एक पैर छोटा है। देखिए देखिए इधर देखिए, दिखाओ। हाँ वो वाली। ये हुआ इधर, अब दिख रहा है ना आपको? हाँ वही। मामी जी, भाभी, ओहो ये कैसे गिर गया? बड़ो ये कहाँ लगी? मैं ठीक हूँ। अरे बता कहाँ लगी? अरे वहीं लगी जहाँ पहले लगी थी। हे भगवान, अब तक तो तुम्हारे को ठीक हो जाना चाहिए था। चल उठ। हाँ धीरे से। के चक्कर है थारे साथ? कोई शनि की दशा है के? जिप देखो जिप चोट लगती रहती है। कोई नया कांड के बिना थारे को चैनना पड़ता है ना। मैंने कितना समझाया था कि थारे कोई भी चीज चाहिए हो मारे को बोल देना, फिर क्यों यहाँ तक आ गई? मैंने दवाई लेनी थी और पानी ना। भाभी मामी जी तो ठीक कह रही है ना, आप जाओ आप रेस्ट करो। हाँ आने की जरूरत नहीं है, चल अपने कमरे में चल आराम कर, मैं पानी लेके आती हूँ वहीं। चल किस्मत भी खूब साथ देती है इसबारों का, इस बार तो बच गई, लेकिन कब तक किस्मत तेरा साथ देगी? लकी जी का सा प्या होते, मन्ने पता है आप मन्ने गुस्से भरी नजरों से देखते, पर फिर भी आपको देख के मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाता। लो आ गई पिंकी बहू। जी माँ जी बोले ना। वहां के तू अपनी भैंस चरा रही थी है? ओ, इतने सारे कपड़े है? तू तो बड़ी दानी सा, अपने पहनने के लिए राख लिए या सारे दान कर देगी तू आज? हाँ माँ जी। ये कोमल बिटिया कित रहेगी भाई, लाखा के उसके कपड़े ही रह गए। अरे भरपाई जी, जा कोमल को बुला के ला। जी हाँ भाग के जा, बुला कर। बहुत देर हो गई। थैंक यू पिंकी जी, मेरे को नहीं पता था कि आपको हमारा दिया हुआ वैलेंटाइन डे का गिफ्ट इतना पसंद आएगा कि आप सारी चदरी दान में दे दो। सबके कपड़े आ गए तो बतेरे कपड़े हो जाएंगे। मेरे कपड़े दर्द। भाभी मैंने आपको मना किया था ना भाई के कपड़े देने को, आप फिर भी ले आई। बड़ो तो कोई भी बात क्यों नहीं माने है? हरे को कोई भी बात एक बात में समझ ना आती है। यो लक्की के कपड़े क्यों ले आई? अब क्यों बार बार उसे परेशान करती है, कुछ और ले आती। मालती कोमल बिटिया पर गुस्सा क्यों कर रही है? जब लाखा वो कपड़े पहनता ही नहीं है तो दान देने में क्या खराब ये बता। जी ताऊ जी वही कह रहे। मतलब क्या है बहू तेरा, साफ साफ बोल, कहानी क्यों सुना रही है?
मैं कह रही हूँ कि ताऊ जी ने कहा था कि कपड़े इस्तेमाल करो या फिर दान कर दो, और मन्ने पता है लक्की जी को यो सब टी शर्ट बहुत पसंद से, तो मन्ने भाई की मदद के साथ इसको एक रजाई में बना दिया। कर रहे हो राणा जी आप? अरे बस एक मिनट पिंकी जी, आप बिना बड़ी बेचैन हो। देखिए जी खोलिए। कैसा लगा आपको हमारा तोहफा? अच्छा है ना? अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है तोहफा, बहुत अच्छा लगा। पर राणा जी, इसकी की जरूरत थी आपको? तो मैं हमेशा ऐसे ही देखती हूँ, तो इसकी की जरूरत है? अरे रे 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 रे, क्या है ना पिंकी जी, मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो आप मन्ने बड़ा मिस करते हैं, है ना जी, इसलिए मैंने ये बनवा दिया। अब ना जी, अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा ना तो आपको परेशान होने की जरूरत ना है, क्योंकि मैं हमेशा आपके पास हूं, है ना पिंकी जी? जी। मुसीबत लक्की जी, आप आ गए। लक्की जी, लक्की जी, लक्की जी, मेरी मदद कर दीजिए आप। मेरे कान में भी दर्द और मेरा हाथ भी अटक गया से। अगर चीखना बंद करेगी तो खोलूंगा। आ, 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 आ। लक्की जी सुनिए, वो होली के दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। हेलो, मेरा नाम कोमल सिंह अलावत से, वो से मेरे पति परमेश्वर लक्की जी, मैंने लक्की जी के संग खूब जम के होली खेलनी से। मैंने बार बार तेरा थैंक यू या सॉरी ना सुनना, बस मुझ में एक रहम कर, मैंने तंग ना कर। तू घनी काम की छोरी से अपनी छोटी बांबी का पीछा बड़ो ते तू ही छुटवा सके। अगर तने बड़ो पे निशाना लगाना है तो अपने भाई लाखा के कंधे बंदूक धर के गोली छोड़। तू जानबूझ के करिए, इससे पहले की बात आगे बढ़े ना, इसको अपनी ना औकात दिखा दो।